आगे बढ़ते हैं। और अगर आप ट्रेन का जो रिजर्वेशन और टिकट है, रिजर्वेशन टिकट वो किसी एजेंट से बनवा रहे हैं तो सावधान हो जाए। जी हाँ, क्योंकि टिकट बुकिंग एजेंट अवैध तरीके से टिकट बुकिंग करके यात्रियों का सफर जो है वो संकट में डाल रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को जुर्माना तक देना पड़ सकता है। और उत्तर पश्चिमी रेलवे में ऐसे ही केस हर माह बढ़ते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोग रेलवे स्टेशनों के आरक्षण केंद्रों पर लंबी कतारों से बचने के लिए अधिकृत टिकट एजेंटों से टिकट बुक कराते हैं। पता चला कि कई एजेंट पर्सनल आईडी से टिकट बना रहे हैं। ऐसा करना नियमों के विरुद्ध है। पकड़े जाने पर रेलवे उसके द्वारा बनाए गए वर्तमान और आगामी दिनों की टिकटें तुरंत रद्द कर देता है, उस पर कार्रवाई भी होती है। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत यात्रियों को होती है। कारण ये है कि टिकट बुकिंग के दौरान ज्यादातर एजेंट खुद को सुरक्षित रखने के लिए संपर्क सूत्र के विकल्प में यात्री की बजाय खुद के ही मोबाइल नंबर भर देते हैं। ऐसे में पकड़े जाने पर रेलवे द्वारा टिकट रद्द होने की सूचना यात्री को नहीं मिलती और वे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहाँ TTE उनसे बिना टिकट पाए जाने का जुर्माना भी वसूलता है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर मंडल में हर माह 20 से ज्यादा एजेंट पकड़े जा रहे हैं। इनमें अधिकृत और अनाधिकृत दोनों हैं। जयपुर मंडल की बात करें तो यहां 6 माह में 40 से अधिक केस दर्ज हो चुके हैं। अभी हो क्या रहा है कि कुछ लोग ऐसे केसेस हमारे नोटिस में आए हैं जिसमें कि लोगों ने पर्सनल आईडी से टिकट बनाया और वो किसी और को दे दिया, जो कि पूरी तरह से गैरकानूनी है। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 143 के तहत इसमें 3 साल तक की कैद और 10,000 रुपये जुर्माना का हमने प्रावधान किया हुआ है। त्योहारी सीजन में अवैध टिकट बुकिंग के ऐसे केस ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि लोग कंफर्म सीट लेने के चक्कर में एजेंटों के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। अवैध रूप से टिकट बुकिंग ना करवाएं, खुद के मोबाइल नंबर जरूर दें ताकि रद्द होने की सूचना मिल जाए। हमारे ट्रैफिक अकाउंट्स के ऑफिसर, हमारे RPO पर्सनल और कमर्शियल स्टाफ, ये तीनों लोग मिलकर के ट्रेन की जाँच करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि कोई इस तरह के केसेस तो नहीं है जहाँ पे किसी ने पर्सनल आईडी से टिकट बना करके अनाधिकृत रूप से किसी दूसरे आदमी को दे दिया। RPF के एक अधिकारी ने बताया कि व्यक्तिगत आईडी से दूसरों की टिकट बनाना अवैध है। RPF को साइबर सेल या IRCTC से अवैध तरीके से टिकट बनाने वाले संदिग्धों की सूची मिलती है। उसकी पड़ताल करने पर एजेंट पकड़ में आते हैं। इसके बाद उनके द्वारा बुक की गई टिकटों को तत्काल रद्द कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पर कोई ऐसे केसेस तो नहीं है जिसमें कि किसी ने सीनियर सिटीजन टिकट बनवाया हो, उसको एडिट करके कोई, या सीनियर सिटीजन की जगह कोई और ट्रैवल कर रहा हो, किसी दूसरे की टिकट के नाम पे कोई और ट्रैवल कर रहा हो। इस तरह के जितने भी केसेस हैं इसमें सख्त प्रावधान है सजा का। बांदीकुई निवासी शंकर ने बताया कि 1 माह पहले उसने परिवार की लखनऊ जाने की मरुधर एक्सप्रेस की स्लीपर श्रेणी की टिकट बुक कराई। उस वक्त टिकट कंफर्म हो गई थी। 9 सितंबर को ट्रेन में चढ़े और सीट तक पहुंचे तो वहां पहले से अन्य यात्री बैठे थे। TTE से विरोध जताने पर उसने चार्ट खंगाला जिसमें हमारा नाम नहीं था। उसने बताया कि टिकट रद्द हो चुकी है। ऐसे में बिना टिकट मानते हुए उसने जुर्माना भी वसूला। मोबाइल नंबर कस्टमर का देते हैं, किस तरीके से करते हैं? IRCTC से कैसे? हमारे पास अवेलेबल होती है तो ही बनाते हैं, अंदर से नहीं बनवाते। उसके पास मैसेज आ जाता है, कस्टमर के मोबाइल नंबर डाले जाते हैं हमारे तरफ से, तो उसके बाद मैसेज जाया जाता है गाड़ी कैंसिल हो गई तो रिफंड उनसे लेने आ जाते हैं। ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। ऐसे में अब आप जब भी टिकट कराएं उसमें अपना मोबाइल नंबर जरूर दें ताकि टिकट रद्द होने पर आपको जानकारी मिल सके। दामोदर प्रसाद, Zee Media, जयपुर।